हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू द टीचिंग लर्निंग सेशन ऑफ रिसर्च। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेरिएबल्स की, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल और कितने टाइप्स के होते हैं वेरिएबल्स, राइट? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज एनीथिंग दैट टेक वेरिंग और डिफरेंट वैल्यू। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, right? Values can differ at various time for same object or a same person, or values can be different or can be same for different object or different person, right? तो वेरिएबल वो चीज होती है जिनकी वैल्यूज, वो होता है जिसकी वैल्यूज जो है वो हमेशा डिफर करती रहती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती है, राइट? सेम ऑब्जेक्ट के लिए, सेम पर्सन के लिए अलग अलग टाइम पे वैल्यू डिफर करती है, राइट? और डिफरेंट लोगों के लिए भी वैल्यू जो है हो सकता है वो सेम रहे, राइट? तो वेरिएबल, जब हम रिसर्च में वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स नॉर्मली हम चार तरह के वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च में। पहला होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड मीडिएटिंग वेरिएबल। तो हम आज इन चार तरह के वेरिएबल्स की बात करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है और रिसर्चर का प्राइम इंटरेस्ट का वेरिएबल होता है, राइट? रिसर्चर का गोल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को अंडरस्टैंड करना, उसे डिस्क्राइब करना, राइट? रिसर्चर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में ही डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, उसी को वो डिस्क्राइब करता है। Through the analysis of dependent variable, it is possible to find the solution or answer to the problem. अगर हमें एक बार dependent variable समझ में आ गया, right? अगर हम उसे describe कर पाए तो हो सकता है हम जो है, जो हमारी problem है, हम उसके solution को answer कर पाए, हम उस problem को solve कर पाए या answer कर पाए। The researcher will be interested in measuring or quantifying the dependent variable. Researcher जो है वो dependent variable को measure करने की कोशिश करता है। एक study में एक से ज्यादा dependent variable हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा dependent variable को researcher जो है एक time पे study कर सकता है। जैसे example से समझाती हूँ dependent variable क्या होता है। गुड ट्रेनिंग प्रोडक्शन लेवल, ये दो मैंने एग्जाम्पल में लिया है। मेरे पास दो वेरिएबल है, एक है गुड ट्रेनिंग यानी कि अच्छी ट्रेनिंग, मेरा एक वेरिएबल है, एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन लेवल, सेकेंड वेरिएबल मैंने प्रोडक्शन लेवल दिया है। मेरा हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो ट्रेनिंग का इम्पैक्ट है वो प्रोडक्शन लेवल पे पड़ता है। जितनी अच्छी हम ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉयज को, उतना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा, उतने इफेक्टिवली वो काम कर पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेवल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्यों डिपेंडेंट हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जिसकी एग्जिस्टेंस दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। तो प्रोडक्शन लेवल डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ट्रेनिंग पे। अगर ट्रेनिंग अच्छी है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन लेवल अच्छा हो रहा है। अगर ट्रेनिंग मॉडरेट टाइप की है तो प्रोडक्शन लेवल पे उसका इंपैक्ट वैसे पड़ रहा है, राइट? तो ट्रेनिंग का इंपैक्ट प्रोडक्शन लेवल पे पड़ रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट है ना वो, इट डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल, वो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और हमारे केस में ट्रेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल है। से जॉब सेटिस्फेक्शन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस जॉब सेटिस्फेक्शन जो है, मेरा हाइपोथेसिस ये कहता है एम्प्लॉई इज मोर सेटिस्फाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज लेस स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस कम है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस कम है एम्प्लॉई उतना सेटिस्फाइड है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जॉब सेटिस्फेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वो डिपेंड कर रहा है स्ट्रेस पे, राइट? तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल। इनडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दूसरे टाइप का वेरिएबल। इनडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन विच इन्फ्लुएंसेस डिपेंडेंट वेरिएबल ईदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है, वो इन्फ्लुएंस पॉजिटिव और नेगेटिवली किसी भी तरीके से कर सकता है। द वेरियंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज अकाउंटेड फॉर और बाय द इनडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल
और डिसाइड करता है। वही वाला एग्जाम्पल हम ट्रेनिंग वाला और प्रोडक्शन वाला लेवल वाला दोबारा ले लेते हैं अगर, तो गुड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन लेवल डिपेंड कर रहा है लेवल ऑफ ट्रेनिंग, किस तरह की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर हमारी ट्रेनिंग का लेवल अच्छा है, गुड है, तो प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करेगा। अगर मॉडरेट टाइप का है तो हमारा प्रोडक्शन लेवल किस तरह का होगा, मॉडरेट टाइप का होगा। अगर बैड लेवल है ट्रेनिंग का, इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ गुड ट्रेनिंग टू आर एम्प्लॉयज, तो प्रोडक्शन लेवल एफिशियंसी जो है वो एम्प्लॉयज की कम होगी, राइट। तो गुड ट्रेनिंग जो है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि प्रोडक्शन लेवल है उसके वेरियांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने चेंजेस होंगे वो गुड ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा। दूसरा एग्जाम्पल भी हम वही ले लेते हैं जो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल में लिया था, दैट इज स्ट्रेस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जितना कम स्ट्रेस है उतना ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन है, राइट, ये हाइपोथेसिस कहता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो जॉब सेटिस्फेक्शन कम है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये एक चीज बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन डाउन जा रहा है, वो कम हो रहा है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्ट्रेस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन है उसे नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरियांस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इनडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहता है। तीसरा वेरिएबल होता है मीडिएटिंग वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा वेरिएबल होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार रिसर्चर गड़बड़ कर जाते हैं कि इसे डिपेंडेंट ले इंडिपेंडेंट ले कैसे ले। मीडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। दो वेरिएबल्स किस तरह से रिलेटेड है मीडिएटिंग वेरिएबल उसे डिफाइन करता है, राइट। It is a way in which independent variable impacts the dependent variable. ये एक ऐसा variable होता है जिसके through independent variable dependent variable को impact करता है। इसे एक example से समझते हैं। ये हमारा hypothesis है, हम study करना चाहते हैं socio-economic status, कि बच्चों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का रीडिंग एबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब अगर कोई पुअर फैमिली से है तो उसकी रीडिंग एबिलिटीज पे क्या फर्क पड़ता है, क्या किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रीडिंग एबिलिटी पे फर्क डालता है। अगर कोई वेल टू डू फैमिली से है तो क्या उसकी जरूरी है उसकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो या ना हो। I want to check कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का रीडिंग एबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स की, राइट। अब इसमें मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, उसे मैंने लिया पेरेंट एजुकेशन, ठीक है। इसमें कहा, मैंने कहा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का इम्पैक्ट रीडिंग एबिलिटी पे पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आई वांट टू चेक दिस, राइट। पॉजिटिव इसका जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड द रीडिंग एबिलिटी of the children according to my hypothesis. अब इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया जिसे मैंने कहा पेरेंट एजुकेशन। पेरेंट एजुकेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है रीडिंग एबिलिटी का। तो ये मॉडरेटिंग, ये मीडिएटिंग वेरिएबल हो गया। ये मीडिएटिंग वेरिएबल कैसे है, ये मीडिएटिंग वेरिएबल है क्योंकि मीडिएटिंग वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, देखिए जो मीडिएटिंग वेरिएबल होता है ना उसमें क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वो हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और रीडिंग एबिलिटी जो इनडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें रिलेशनशिप है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और रीडिंग एबिलिटी का। मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन स्टूडेंट की रीडिंग एबिलिटी पे फर्क डालती है। लेकिन मैंने वहां पे एक और वेरिएबल ले लिया जिसे मैंने बोला पेरेंट्स एजुकेशन। पेरेंट की एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है रीडिंग एबिलिटी पे, तो वहां पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रीडिंग एबिलिटी को तो इम्पैक्ट कर रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहा है, वो पेरेंट एजुकेशन के थ्रू इम्पैक्ट कर रहा है। मान लीजिए अगर किसी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है लेकिन पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है तो रीडिंग एबिलिटी स्टूडेंट की जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, वो ज्यादा अच्छे से पढ़ सकता है। वहीं अगर किसी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं
लेकिन पेरेंट्स वेल एजुकेटेड नहीं है, पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट भी रीडिंग एबिलिटी पे पड़ेगा, राइट? तो रीडिंग एबिलिटी जो पेरेंट की एजुकेशन है वो रीडिंग एबिलिटी को इम्पैक्ट कर रही है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रीडिंग एबिलिटी को इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन पेरेंट्स की एजुकेशन के थ्रू, मतलब जो डायरेक्ट इम्पैक्ट था सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का रीडिंग एबिलिटी पे, अब वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होके वो पेरेंट्स की एजुकेशन के थ्रू हो गया, डिस्पाइट ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, पेरेंट की एजुकेशन पे डिपेंड करता है रीडिंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन की उनकी रीडिंग एबिलिटीज कैसी होंगी, राइट? सो मीडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, किस तरह से वो रिलेटेड है, एंड इट इम्पैक्ट्स द वे द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? दिस इज मीडिएटिंग वेरिएबल. अब हम बात करते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल की. चौथा टाइप का वेरिएबल जो रिसर्च में होता है वो होता है मॉडरेटिंग वेरिएबल. मॉडरेटिंग वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप पे अफेक्ट करता है, राइट? यहाँ पे क्या होता है, मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका इम्पैक्ट, एक वेरिएबल मैंने तीसरा वेरिएबल और ले लिया, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पे फर्क डालेगा. इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. से मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है सैलरी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है? तो वर्क एक्सपीरियंस, मेरी हाइपोथेसिस क्या कहता है, सैलरी डिपेंड्स ऑन दी वर्क एक्सपीरियंस. सैलरी जो है वो वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है. जिसको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितने ज्यादा साल का एक्सपीरियंस होगा, उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होनी चाहिए. According to my hypothesis, there is a relationship or there is a positive relationship between the work experience and salary. तो जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस उतनी ज्यादा सैलरी. पर वहीं पे एक मैंने वेरिएबल और ले लिया जिसे मैंने कहा जेंडर. जेंडर वेरिएबल ले लिया मैंने. जेंडर में क्या कहा कि जेंडर जो है क्या वो इम्पैक्ट डालता है वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी पे. लाइक माई हाइपोथेसिस इज कि फॉर द सेम वर्क एक्सपीरियंस जो फीमेल्स हैं उन्हें कम सैलरी मिल रही है, ठीक है? ग्लास सीलिंग इफेक्ट है ये, राइट? कि एक्सपीरियंस मेल का भी 15 इयर्स है, फीमेल का भी 15 इयर्स है. मान लीजिए सेम एक्सपीरियंस के लिए मेल को 50,000 मिल रहे हैं तो फीमेल को 45,000 दिया जा रहा है विथ सेम क्वालिफिकेशन विथ सेम वर्क एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे क्या एज इम्पैक्ट डाल रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप पे? तो जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रिलेशनशिप यानी कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है, वो काम करता है हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल. मॉडरेटिंग वेरिएबल दो तरह के होते हैं, कैटेगोरिकल मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल. कैटेगोरिकल वेरिएबल से कास्ट, रिलीजन, रेस, कलर, हेल्थ स्टेटस, ये हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, ये भी इम्पैक्ट डालते हैं, राइट? से फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक ले लेते हैं एग्जाम्पल और कैटेगोरिकल वेरिएबल से कि जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, जितने और उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके स्टडी हैबिट्स पे, राइट? लेकिन स्लीपिंग हैबिट्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अगर आप ठीक से सो रहे हैं तो आप जो हैं वो ठीक से कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन पे उसका फर्क पड़ता है, आपके स्टडी हैबिट्स पे उसका फर्क पड़ता है. तो स्लीपिंग हैबिट्स जो है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन स्टडीज, ठीक है. कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, आप कितना स्टडी कर पाते हैं, कितने कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, वो आपके नींद के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन वहीं पे अगर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है वो हमारी स्लीपिंग हैबिट्स पे भी पड़ रहा है और कॉन्सेंट्रेशन पे भी पड़ रहा है. इफ वी आर स्ट्रेस्ड तो वो हमारे स्लीप को भी डिस्टर्ब कर रहा है, एंड बिकॉज आर स्लीप इज डिस्टर्ब तो हम अपने काम पे, अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं. तो ये जो है स्ट्रेस जो है ये हमारा उस पे हमारे इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि ये हमारा हेल्थ स्टेटस हो गया.
कि अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हमारा हेल्थ स्टेटस जो है उसे हम कह रहे हैं कि हम वी आर नॉट क्वाइट हेल्दी। कहीं ना कहीं हमारा मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रखा है, जो हम स्ट्रेस हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप्स पे पड़ रहा है, स्ट्रेंथ पे पड़ रहा है। ये होते हैं हमारे मॉडरेटिंग वेरिएबल। आई होप आपको क्लियर हो गया डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।